हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्यातिज हैप्पी कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेम्पटिंग कच्ची दाबेली। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। कच्ची दाबेली बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं। ये मैंने लिया है 1/2 कप गुड़, ये लिया है मैंने दाबेली मसाला, ये वाला मैंने, ये जो दाबेली का मसाला आता है ये स्पेशल कच्ची दाबेली का मसाला है, ये लिया है। आप कोई भी मसाला ले सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मसाला लिया है। ये मैंने 1/3 कप मसाला लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, पिंच ऑफ हींग, ये है 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, ये है 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची पाउडर और ये है 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। ये मैंने एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ सबसे पहले ये गुड़, अब गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है और थोड़ा गोल्डन ब्राउनिश भी हो गया है, ये देखिए। अब हम डालेंगे ये दाबेली मसाला और मिक्स कर लेंगे। थोड़े टाइम के लिए हम इस मसाले को भी पकने देंगे। ये देखिए दाबेली का मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है और पक गया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये सारे ड्राई मसाले और मिक्स कर लूंगी। और अब 30 सेकंड जैसा हो गया है और अब मैं डाल रही हूं 1/2 कप पानी। और मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 7 से 8 मीडियम टू हाई साइज के आलू को बॉईल करके छील लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इस आलू को मसाले में डालती हूँ और ये मसाला देखो कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है ना। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। और ये अब मैं ये मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। कितना बढ़िया कलर आया है देखो। ये देखिए सारा मसाला और आलू मैंने मिक्स कर लिया है। हमने जितना भी पानी डाला था वो सारा सोक कर गया है। देखो ये ऐसा मावा होगा ना तो ये बन को में खींचने में बहुत टफ पड़ता है, इसलिए मैं और ऑलमोस्ट 1/2 ग्लास इतना पानी ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए अब पानी डाल के मिक्स करने के बाद ये देखो कितना स्मूथ टेक्सचर बना है ना। बस ऐसा टेक्सचर रखना है ताकि बन में अच्छे से हम इसको फील कर पाएंगे। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। आलू का स्टफिंग हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बीच में फील करने के लिए लहसुन की रेड चटनी बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने 8 से 10 ये रेड मिर्ची को 1 घंटे जैसा गर्म पानी में भिगो के रख दिया। ये देखिए ये अच्छे से फूल गई है, तो ये रेडी है अब बनाने के लिए। और ये है 25 से 30 लहसुन की कलियां। अब हम इस ये दोनों को मिक्सर जार में डाल देंगे। ये देखिए मैंने मिर्च और लहसुन को मिक्सर में डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और पीसने के लिए ये मिर्ची वाला ही पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने ग्राइंडर में पीस के फाइन पेस्ट बना ली है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम इस चटनी को 1 और 2 उबाल लाएंगे ताकि वो उसकी जो कच्ची महक है लहसुन की वो चली जाए। इसके लिए मैं ये 1 टेबल स्पून ऑयल रख रही हूँ गरम करने के लिए और उसी में ये सारी चटनी ऐड कर दूंगी। ये देखिए पेस्ट मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी
ये मैंने मिक्सर में डाल के वही पानी ऐड कर दिया है। चटनी को अच्छे से उबालेंगे ताकि उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी ठीक हो जाए और लहसुन की कच्ची महक चली जाए। ये देखिए चटनी मैंने बंद कर दी है और ऐसी कंसिस्टेंसी रखी है, और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी होगी। दाबेली का मैंने स्टफिंग भी रेडी कर लिया है, रेड चटनी भी रेडी कर ली है, और जो साइड में चीजें लगती है वो भी सारी मैंने प्रिपेयर कर ली है। तो ये लिया है मैंने फ्रेश धनिया, जिसको मैंने कट करके धो लिया है अच्छे से। ये ली है मैंने कटी हुई प्याज, ये है नायलॉन सेव, ये मैंने लिया है अनार के दाने, और ये है बालाजी के मसाला सींग, और ये है जो चटनी मैंने अभी बनाई थी रेड चटनी वो, और ये मैंने बन लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से बीच में से काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इस बन में एक एक करके सारी चीजें भरेंगे और दाबेली प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं लहसुन की चटनी भर रही हूँ, आप जितना तीखा खाते हो इस हिसाब से चटनी को भरिए। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये आलू का स्टफिंग, अब मैं ऊपर डाल रही हूं ये मसाला सींग, प्याज डाल रही हूं, अनार के दाने, धनिया ऐड कर रही हूं, और फाइनली सेव। और थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। इसको अब तवे पे बटर डाल के अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। अब जो ये दाबेली हमने प्रिपेयर करी है उसको हम पैन में बटर डाल के सेकेंगे, तो इसके लिए मैं ये खूब सारा बटर डाल रही हूँ, और इस तरह से पूरा बटर में हम इसको रोल कर देंगे। और इसी तरह से मैं ये साइड पे दूसरी भी दाबेली सेक लेती हूँ। अब ये दूसरी साइड पर भी हम बटर डाल देंगे, और ये धीमी आंच पे हम अच्छे से इसको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम इसको दूसरी साइड पर इस तरह से पलट देंगे। दाबेली अच्छे से क्रिस्पी हो गई, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। सच में बहुत ही सही स्मेल आ रही है। तो ये लीजिए दाबेली मैंने सर्व कर ली है, और ये देखिए बहुत बहुत टेम्पटिंग दिख रही है, और बिलीव मी खाने में भी उतनी ही टेम्पटिंग है। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।